आप देख रहे हैं अपना समाचार। का प्लान जो था वो संघर्ष खत्म जिस समय हम लोग कैंपेन कर रहे थे, तो वहाँ हम लोग बिहार एंड सारी जगहों पे गए, तो वहाँ एक हम लोग को मुद्दा दिखा ये कि ये एक मुद्दा पे पिक्चर बननी चाहिए। मैं, अवधेश जी और सारे लोग जो थे वहाँ प्लान किए, काफ़ी प्रेस रिपोर्टर जो वहाँ पे थे उनकी एक थॉट थी कि इस मुद्दे पे अभी तक पिक्चर बनी नहीं है। फिर हम लोगों ने एक साल से इस पे रिसर्च किया पूरी तरह, और उसके बाद ये प्लान हुआ। फिर एक सेंसेबल डायरेक्टर जो है वो पराग दिखे मुझे, क्योंकि लास्ट पिक्चर में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, और अवधेश जी का जो साथ था वो भी बहुत अच्छा था, और इसके लिए सुटेबल जो लगा कि ये सुटेबल जो है ये रोल दिनेश जी के द्वारा किया जा सकता, और इस पर डिस्कशन काफ़ी हुआ। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि इस मुद्दे को एक एग्जीक्यूशन लेवल पे एक अच्छे तरीके से किया जाए, यही एक थॉट था हम लोगों का, बहुत मेहनत से किया हम लोगों ने। इसमें दिनेश जी आम्रपाली जी हिस्सा है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें दिनेश जी और आम्रपाली जी का एक अलग रूप देखने को मिलेगा, और एक नॉर्मल जो मूवी होती है ये वैसी ही है, लेकिन एक जो ट्रू स्टोरी है उसको हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ढंग से एक भोजपुरी सिनेमा को एक नया जो है एक लुक आएगा एक पिक्चर का, क्योंकि ये मुद्दा बेस्ट पिक्चर है एंड एक मोटिव है कि क्या हमको दिखाना है, यही एक फिल्म है। दिनेश जी क्यों इस सब्जेक्ट के लिए? क्योंकि इस सब्जेक्ट के लिए बहुत परफेक्ट, बहुत लुक हम लोगों को वैसा ही चाहिए था कि कोई दिखे उस लुक में, और इतने पॉपुलर हैं, एक सुपरस्टार हैं, तो और इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि इनसे अच्छा और कोई रोल ये कर नहीं पाए। एक और जहाँ पे जो है जो फिल्म निर्माता है खासकर जो भोजपुरी सिनेमा में कमर्शियल सिनेमा बनाते हैं, मसाला फिल्म बनाते हैं कि दो पैसे ज़्यादा कमाएं, आपने वो सब छोड़ के एकदम अलग धारा की फिल्म बनाना शुरू किया है। हाँ, कमर्शियल पिक्चर हमको उसको बोलते हैं जो एक पिक्चर अच्छी हो, जरूरी नहीं एक मसाला मूवी जो है कमर्शियल, एक लोगों का एक सोच है, बट हम ये सोचें कि अगर अच्छी पिक्चर होगी तो वही कमर्शियल पिक्चरें हैं, क्योंकि देखने वाले लोग वही हैं। तो जब हम अपनी स्टोरी एक कुछ नई चीज़ उनके लिए अगर आएगी कि ये देखने में इंटरेस्ट है, वही एक कमर्शियल है। तो हम अपने थॉट सही रखें, पिक्चर जो रिक्वायरमेंट है वही उस पिक्चर्स के लिए बने वैसा। भोजपुरी सिनेमा के जो दर्शक हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिनेमा हॉल से अलग हो जा रहे हैं या कम आ पाते हैं, क्योंकि सिनेमा हॉल का भी कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा रख रखाव या उसका मरम्मत सही से ना होने की वजह हो जाता है। वो एक वजह है भी, और लोगों को कुछ नया देखने को मिल नहीं रहा है, इसकी वजह से थोड़ा मोटिवेशन जो है उन लोगों का डाइवर्ट हो गया है। आज हमारे जो भोजपुरी लैंग्वेज है, इतनी अच्छी अच्छी हिंदी फिल्में बन रही है, आप उसमें देखिए कि जितना जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रहा है वो भोजपुरी इस्तेमाल होता है, तो उस चीज़ के लिए अगर हम लोग अगर भोजपुरी पिक्चर बना रहे हैं तो उसमें एक अगर वही फील आए तो उन लोगों के लिए भी अच्छा है, उन लोगों को मिलता नहीं है बेसिकली देखने के लिए अच्छी पिक्चर। सिनेमा की मरम्मत को लेकर क्या आपका? सिनेमा मालिक को उतने इनकम नहीं हो पाते हैं कि वो उस चीज़ के लिए वो मेंटेन करें, और एसी के बिल्स एंड सारी चीज़ें जो है उन पर बहुत भारी पड़ता है, और जो देखने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा टिकट पे नहीं कर पाते हैं, तो वजह एक वो भी हो सकता है। अगर उनकी भी अगर प्राइस अगर हम मल्टीप्लेक्स के जैसा कर दें तो वो भी अपनी मरम्मत करा लें, वो भी एक एसी रख लें, तो मैं थिएटर मालिकों के साथ में इसलिए सपोर्ट में रहता हूँ क्योंकि उनके पास इनकम का सोर्स उतना नहीं है, उतनी टिकट प्राइसिंग उनको नहीं मिल पाती है, तो वजह मेन एक वही है। अगर उनको अगर अच्छा अगर मिले, अब बहुत सारे थिएटर जो ओनर्स हैं उन्होंने जहाँ जहाँ थिएटर चेंज किया अपनी प्राइसिंग बढ़ाएं, और एक थिएटर अच्छा अगर देख करके देखेंगे तो वो होगा वो उस ढंग से। सिनेमा की बात हो रही तो उत्तर प्रदेश और बिहार की जो सरकार है उनसे क्या कहना चाहे कुछ? बिहार सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि जो फिल्में हैं बिहार सरकार, बिहार की पिक्चरें हैं, भोजपुरी पिक्चरें हैं बिहार सरकार, अब हो सकता है कुछ सरकार अगर कुछ सोचे इसके ऊपर में तो हो सकता है कुछ भोजपुरी पिक्चरों का जो है वो अच्छा हो। इसके लिए कोई मुहिम चलाना चाहेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, हम तो गाँव बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उस चीज़ में अगर हम मुद्दा उठाएंगे कि ये चीज़ें अगर फिल्म के इतने लोग हैं जो फिल्में बनाते हैं जो अदर स्टेट में जाते हैं, वही सेम चीज़ जो है मूवी बिहार की पिक्चरें हैं, भोजपुरी लैंग्वेज की पिक्चरें हैं, बट सारे दूसरे स्टेट में जाके शूट हो रहे हैं, आपका यूपी है वहाँ शूट हो रहे हैं, झारखंड है वहाँ शूट हो रहे हैं, बट बिहार में कोई नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको वहाँ बेनिफिट नहीं है, तो वजह मेन वही है। तो सरकार उस पर सोचें, क्योंकि कुछ
सोचेंगे तो कुछ आगे जाके बढ़ेगा जो भोजपुरी लैंग्वेज है। सरकार की बात की जाए तो आप जहाँ से है मुजफ्फरपुर, जो आपका नेटिव प्लेस है, मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों के लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं, उस पर कुछ बताना चाहेंगे? वो प्लान हम लोगों ने किया है, जो ग्रास लेवल जो है, जो रूट है, वो उस पर हम लोग चेंजेस करने की कोशिश करें। नीचे से करेंगे तो ही जाके होगा, ऊपर से करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो नीचे जो कमजोरियाँ हैं, जो जो चीज़ें छोटी छोटी बातें जो हैं, वो जो नहीं देखने को मिल रही है, लास्ट 20 सालों में कोई चेंज हुआ नहीं है नॉर्मली, तो लोग बोलते हैं करते नहीं है। तो हम प्लान वही कर रहे हैं कि जो बोले हैं वो एटलीस्ट कम से कम हो, अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सलाह दें कि कैसे होगा, क्या होगा, एक एक गाइडलाइन होना चाहिए उन लोगों के लिए। क्योंकि किसी के पास टाइम है नहीं कि वो जा करके लोग गाँव में करें, बट वो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि किस ढंग से जाके ग्रास लेवल रूट पर उस चीज़ को सही करने की कोशिश करें। जिस तरह से आपका म्यूजिक कंपनी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी, जिसके माध्यम से भोजपुरी सिनेमा में गीत संगीत का ऑडियो वीडियो सेटेलाइट का रेट बढ़े और आज हर निर्माताओं को फायदा हो रहा है। हाँ, तो बेनिफिट प्रोड्यूसर्स को ही है, क्योंकि उनके पास पैसे आएंगे तो लोगों के पास पैसे आएंगे। तो चीज़ें वही हैं कि लोग सोचें, अच्छी अच्छे ढंग से सोचें तो सबका सबका भला होना है, सबको एक पैरेलल सोचें। तो जिस तरह आप म्यूजिक कंपनी सहारे जो है भोजपुरी सिनेमा में एक बदलाव लाने में सफल रहे हैं, क्या उसी तरह से जो आप अपने गांव और अपने जिले के लिए करना चाहते हैं, क्या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ेंगे या अपने स्तर से आप करेंगे? नहीं, अगर अगर चीज़ें सॉल्व अगर कहने से अगर नहीं होगी तो वो चीज़ हासिल करके हम लोग करेंगे, बट करेंगे ज़रूर। तो हम लोग दोनों दोनों इश्यूज़ हैं कि अगर वो सही ढंग से अगर हो जाता है, गाँव की अगर तरक्की होती है, अगर गाँव में हर एक चीज़ की सुविधा अगर उपलब्ध होती है, नहीं होगा तो उस चीज़ के लिए हम लोग लड़ करके ही करेंगे तो वो बेहतर होगा, आई थिंक सो। चलते चलते बात करें अरब की, तो इसमें जैसे दिनेश जी हैं, अमरपाली जी हैं, बाकी और अवधेश जी हैं, बाकी और कितने कलाकार नजर आ रहे हैं इसमें? और 3 हीरोइनें हैं और जो जो बड़े अच्छे रोल में हैं इन लोगों के लिए, और सुशील जी भी रहेंगे, प्रकाश जी भी हैं, और काफ़ी लोग हैं इसमें जो उस मुद्दे पे जुड़ना चाहते हैं, तो उसमें रहेंगे सारे लोग, बहुत लोग हैं। चलते चलते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे अपनी फिल्मों के लेके, अपनी सोच को लेके जो भोजपुरी सिनेमा के प्रति आपकी सोच? नहीं, अच्छा है सब लोग सोचें इसी ढंग से जैसा हम लोग सोचते हैं। अगर हर एक लोग सोचे, हर एक लोग आए इस लाइन में, तो एक कॉम्पिटिशन होगा, तो एक दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करेंगे सारे लोग। थैंक यू।